हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट आज फिर से जो है पॉजिटिव मूड में देखने को मिले, यानी कि अपनी बॉटम लाइन टच करने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट अब रफ्तार पकड़ती हुई आप लोगों को नज़र जरूर आ रही होगी। तो लेकिन इस टाइम भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो गिर रहे होते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो भाग ही रहे होते हैं। अब अडानी ट्रांसमिशन की अगर बात करें, 2000 रुपये का शेयर 3500 रुपये पहुँच चुका है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अपने मन में दो विजन होते हैं कि मुझे स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म रखना है। क्योंकि बहुत बार आप लोगों के साथ एक सिचुएशन क्रिएट ये होती है कि जब आप लोगों को लगता है कि स्टॉक गिर रहा है और आप जैसे ही स्टॉक को बेचते हैं वैसे ही वो स्टॉक रफ्तार पकड़ लेता है और फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने गलत किया इस स्टॉक को बेच के। तो इसलिए जब भी किसी पहले स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में एक विजन क्लियर करें कि मुझे स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म रखना है। अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो स्टॉक देखिए गिरते और भागते दोनों ही चीज़ें करते हैं, यानी कि भागते भी हैं और गिरते भी हैं, और गिरावट और जो भागना है वो मार्केट का रूल है, दोनों चलते रहते हैं। अब अगर आपने अच्छे स्टॉक को अगर मान लो कि सही टाइम पे एंट्री लेके खरीदा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत करेक्शन होती है तो आपको पैनिक करने की उसमें ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, वो कितना ही गिरे आपको पता है कि हाँ मैंने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाले टाइम में मेरे को जरूर रिटर्न देगा, क्योंकि आपने जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी तो आप लोगों ने एक चीज़ जरूर सोची होगी कि हाँ मुझे स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखना है, तभी आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। अब दूसरी बात आती है शॉर्ट टर्म वाले शेयर्स की, यानी कि मोस्टली पैनी शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म रखना है आपको या लॉन्ग टर्म रखना है। क्योंकि जितने भी बड़े स्टॉक्स आज क्रिएट हो रखे हैं वो कभी कभी पैनी शेयर्स ही थे। अब पैनी शेयर्स में भी ये होता है कि अगर या तो अपना विजन ये रखें कि हाँ मुझे 20-30% निकालना है और साइड में रखना है, मुझे शॉर्ट टर्म ही रखना है, लॉन्ग टर्म रखना ही नहीं है। अगर फिर लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर स्टॉक में चाहे कुछ भी हो आपको लॉन्ग टर्म ही रखना है, तो कितने भी प्राइस पे कभी भी खरीद ले, लेकिन एंट्री सही टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करेंगे लीसा इंडस्ट्रीज की, क्योंकि स्टॉक में आज भी अपर सेगमेंट देखने को मिल रहा है और मंडे के दिन जो है क्वार्टर वन के नंबर्स आने वाले हैं, और उससे पहले जो है कंपनी एक ऑलरेडी जो डेवलपमेंट पार्क है उसको लेकर अनाउंसमेंट कर चुकी है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बनाने वाली, डेवलपिंग करने वाली है उसको। तो अभी जो दो सवाल हैं आप लोगों के मन में कि क्या लीसा इंडस्ट्रीज जो है दोबारा से रफ्तार पकड़ सकता है या अभी स्टॉक के अंदर होल्डिंग्स बना के रखना या एग्जिट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो में आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और जो है टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो लीसा इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 4.5% का अपर सर्किट 14.18 रुपये पे स्टॉक पहुंच चुका है, 61 पैसे की तेजी देखने को मिली। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं कि 5 दिन के अंदर देखिए भले ही 17.5% के रिटर्न है, 1 महीने के अंदर सिर्फ 1.5% के रिटर्न है, क्योंकि इस बीच में स्टॉक बाउंड वीक हाई से गिर के 12 रुपये पे आया, 12 रुपये से भाग के 18 रुपये गया, 18 रुपये से गिर के फिर 12 रुपये आया। तो अगर 18 रुपये पे गिर के बार बार दो बार 12 रुपये पे आ चुका तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉटम लाइन बना चुका है 12 रुपये पे। और अब अगर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो स्टॉक के लिए कौन सा है, वो बन चुका अब 18 रुपये, क्योंकि 18 रुपये पे जाके गिरावट हुई थी तो अब वो बन गया इसका रेजिस्टेंस जोन। और स्टॉक ने पैटर्न बनाया है डबल बॉटम पैटर्न। अब यहां पे आप देखिए कि जो 30 रुपये से लेके फिर 18 रुपये गया, 18 रुपये से फिर 12 रुपये आया, और 12 रुपये से अब जो तेजी दिखा रहा है तो वो बना चुका है डबल बॉटम पैटर्न। अगर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देता है 18 रुपये से ऊपर तो एक तेजी की उम्मीद यहां पर बढ़ती हुई जरूर देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि क्वार्टर वन के नंबर्स का भी डायरेक्ट इफेक्ट आपको स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टर वन के नंबर्स पर डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, जो नए जुड़ रहे हैं उनको क्या होगा कि क्वार्टर वन के नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं कि जो 3 महीने के क्वार्टर होते हैं, हर 3 महीने में कंपनी अपने जो 3 महीने की प्रोग्रेस होती है उसका जो है ब्यौरा देती है कि हाँ इस महीने 3 महीने के अंदर हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना नुकसान किया, कितना इनकम जनरेट किया और कितना खर्चा किया है। ठीक है, अब अगर जो इन्वेस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी लीसा इंडस्ट्रीज के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, अगर उनको पता लग गया जबकि क्वार्टर वन के जैसे ही नंबर आएंगे कि यार कंपनी ने तो घटती जा रही है, कंपनी की वैल्यू घटती जा रही है, सेल्स घटती जा रही है, तो वो क्या करेंगे, एकदम से सारा का सारा पैसा निकालेंगे अपना, निकालते ही पैसा स्टॉक गिर जाएगा। और ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इसलिए फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें आज का और कल का, मंडे के दिन तो क्वार्टर वन के नंबर्स आ ही जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूं तो फिर आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो 9% की करेक्शन है। तो लीसा इंडस्ट्रीज से जो है आप अगर एक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन रखने तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम का तो देखिए किसी को भी नहीं पता है कि कंपनी आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में कैसा काम करने वाली है। और वो तो डिपेंड करता है आप कंपनी के काम पर और कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं उनके विजन पर कि वो क्या सोच रहे हैं लीसा इंडस्ट्रीज को कहाँ तक लेके जाना है या फिर जो है कंपनी को बंद करना है, ये तो उनका विजन है। बट लेकिन पैनी शेयर्स के अंदर भी
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आज का इसका देखिए बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखें तो 33 लाख जो है बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है, 2 लाख के ऊपर जो है सेलिंग क्वांटिटी है। तो यानी कि सर्किट जो है वो खुला हुआ है। अगर कोई ये सोच रहा है कि प्रॉपर सर्किट है तो क्लियरली बता दूं आप लोगों को कि कंटिन्यूसली हर प्राइस पे 14 रुपए 18 पैसे, 14 रुपए 19 पैसे, 14 रुपए 20 पैसे, 22 पैसे, 23 पैसे, हर रेंज पे जो है क्वांटिटी सेल की जा रही है। तो 238,121 शेयर्स का वॉल्यूम भी ट्रेड हो चुका है। तो अब वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक में से बहुत सारे लोग जो है निकल भी रहे हैं और बहुत सारे लोग एवरेज भी कर रहे हैं। तो पेनी शेयर के अंदर एवरेज करना कभी कभी रिस्की जरूर हो जाता है, लेकिन कभी कभी मौके का फायदा भी उठाया जाता है। क्योंकि अगर आपकी बाइंग ऊपर के लेवल्स पे है और जहां तक आपकी एवरेज आ रही है वहां तक जाके आप अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई भी कर सकते हैं एवरेज करने के बावजूद। अगर इसके मार्केट कैप की बात करूं तो अब मार्केट कैप जो है देखिए धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो 150 करोड़ के आसपास आ चुका था वो 155 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। टीटीएमपी 354.50 ओवरबोट चल रहा है स्टॉक का, लेकिन आरएसए लेवल जो है वो अभी 40-50 पॉइंट्स के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो आरएसए लेवल के हिसाब से जो है स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है। तो यहां पे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ब्रेकआउट देगा स्टॉक या फिर दोबारा से 18 रुपए से नीचे आएगा। और तीसरी बात एक और बता दूं मैं आप लोगों की, अगर क्वार्टर वन के नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो स्टॉक आपको अप डाउन करते हुए भी देखने को मिल सकता है। ताकि कंटिन्यूसली सेलिंग और बाइंग जो है स्टॉक में जब चलती है तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, ऊपर नीचे यानी कि अप डाउन मूवमेंट में चलता रहता है। कभी 2% भाग लिया, कभी 1.5% गिर गया, कभी 1.5% भाग लिया तो कभी 2% गिर गया। तो ये चीज जो है नॉर्मल चीजें हैं, और मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना भी स्टॉक्स को बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हर टाइम हर स्टॉक भाग नहीं सकता और हर टाइम हर स्टॉक गिर भी नहीं सकता है। अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 13.88 रुपए का थर्ड रेजिस्टेंस है और उससे ऊपर ही जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो सारे के सारे सपोर्ट लेवल 13 रुपए की रेंज में ही देखने को मिल रहे हैं। प्राइस परफॉर्मेंस 3 साल की 1091, 1 साल की 162% और 6 महीने की 125%। अब एक वीक में भी 22% की पॉजिटिव रिटर्न्स तो दिए स्टॉक ने। अब कल का वॉल्यूम देखें आप, 44 लाख का वॉल्यूम आया था जिसमें से 100% डिलीवरी है। T+2 कैटेगरी में स्टॉक बिलोंग करता है, यानी कि अगर आप आज बाइंग करते हैं तो आपका जो स्टॉक है वो मंडे को ही सेल हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन बीच में छुट्टी रहेगी और 2 दिन बाद ही डीमैट अकाउंट में आपके उस स्टॉक की डिलीवरी होती है और उसके बाद ही आप जो है T+2 कैटेगरी के स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए क्वार्टर वन के नंबर्स का। होल्डिंग्स जिन लोगों ने बना रखी है या एवरेज कर रखी है तो वो जल्दी से जल्दी, अगर सोच रहे हैं कि नहीं मुझे निकलना है तो वो जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया होता है, जिनको लग रहा है कि मैं स्टक हो गया हूं, वो क्या करेगा एवरेज करने की कोशिश करेगा। एवरेज करते ही जैसे ही ऊपर जाएगा अपना स्टॉक सारे के सारे शेयर्स को बेच के साइड कर देगा और अपना जो है लॉस वो रिकवर कर सकता है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।